सभी को नमस्ते। तो इस लेक्चर में हम मानवतापूर्ण आचरण के सेकंड मॉडल को स्टडी कर रहे हैं। उस क्रम में हमने मूल्य, नीति और चरित्र इन तीन भागों में देखना शुरू किया। मूल्य की ही चर्चा करते हुए हम लोगों ने पहले सेल्फ में जो मूल्य स्थापित होते हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद, उसकी बात की। उसके बाद एक मानव के रूप में जीते हुए जो मूल्य स्थापित होते हैं, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, उन पे चर्चा की। उसके बाद हम लोगों ने संबंध में जो मूल्य है उसको समझना शुरू किया। तो संबंध में नौ स्थापित मूल्य और नौ शिष्ट मूल्य इस रूप में देखना शुरू किया। तो एक एक करके हम लोग इन भावों को समझते गए। भैया पिछले स्लाइड पे चले जाएंगे। तो विश्वास का भाव स्थापित होता है तो सौजन्यता के रूप में, शिष्टता के रूप में वो आता है। तो मेरे आचरण में सौजन्यता दिखाई देती है, यानी मैं लोगों के साथ मिलके जुड़ के काम कर पाता हूँ, उनके साथ उनकी स्थिति परिस्थितियों में सहयोग कर पाता हूँ, उनके साथ सहभागी हो पाता हूँ। तो सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता इस रूप में मेरे आचरण में दिखाई देता है। वैसे मेरे अंदर सम्मान का भाव स्थापित होता है तो मेरे आचरण में अरहस्यता दिखती है। तो जैसा मेरा सही आकलन है वही मैं प्रस्तुत करता हूँ, ये एक अरहस्यता के रूप में दिखाई देता है। वैसे मेरे अंदर स्नेह का भाव होता है तो मेरे आचरण में निष्ठा दिखाई देती है। तो निष्ठा का मतलब मैं दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार पाता हूँ अनकंडीशनली। उसकी योग्यता कम हो ज्यादा हो, वो सही जी रहा हो, कहीं गलती कर रहा हो, इन सबके साथ भी मैं उसके साथ संबंध को स्वीकारे रहता हूँ और उसके समझ और भाव पे काम करता रहता हूँ। वैसे मेरे अंदर ममता का भाव होता है, दूसरे के शरीर के पोषण संरक्षण का भाव होता है, तो उदारता के रूप में दिखाई देता है। मैं उसके लिए अपना श्रम भी करता हूँ, सुविधा भी लगाता हूँ, मेरे आचरण में उदारता दिखाई देती है। वैसे वात्सल्य का भाव होता है तो सहजता होती है। जब जो व्यक्ति हमसे ज्ञान के अर्थ में, समाधान के अर्थ में कोई भी हमारी भागीदारी चाहता है, हम सहज रूप से प्रस्तुत रहते हैं। तो मेरे अंदर वात्सल्य का भाव बना रहता है तो किसी भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान समाधान सुनिश्चित करने के लिए मेरे अंदर एक तत्परता होती है और सहज रूप से प्रस्तुत रहता हूँ। इसको सहजता के रूप में देखते हैं जी। भैया नेक्स्ट स्लाइड पे। वैसे श्रद्धा का भाव होता है तो पूज्यता के रूप में दिखाई देती है। पूज्यता मतलब कि जिस व्यक्ति को मैं श्रेष्ठ कह रहा हूँ, स्वीकार रहा हूँ, उसके जैसा होने का प्रयास करता हूँ। तो कल हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। तो हमारे अंदर एक सही की प्रेरणा को स्वीकारने के लिए तत्परता दिखाई देती है। तो इसमें जो श्रेष्ठता है उसको ठीक से समझना बनता है। तो श्रेष्ठता को अगर हमने विशेषता कोई मान लिया है, कोई विशेष गुण है अगले व्यक्ति में, तो फिर तो मैं उनको एक विशेष तरह का मनुष्य, एक विशेष तरह का इकाई के रूप में स्वीकार लेता हूँ, उनके जैसा होने का प्रयास नहीं करता। परंतु यदि मुझे दिखता है कि सेल्फ वही है ना, सेल्फ में वही चाहना है, वही क्षमता है, श्रेष्ठ होने का वही कार्यक्रम है, उन्होंने अपने आप को लगाया और पहुंच गए, तो जिस विधि से उन्होंने अपने आप को लगाया उस विधि से मैं भी अपने आप को लगाऊं ताकि मैं भी श्रेष्ठ हो जाऊं, सहज रूप से प्रेरणा बनती है ना। तो जब भी हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का स्मरण करते हैं तो एक सहज भाव हमारे अंदर आता है, उनके जैसा होने का प्रयास करते हैं। ये भी देखने की बात है कि उनके जैसा होने का जो प्रयास है वो सहज और भाव के स्तर पे है। ऐसा नहीं कि मैं उनकी तरह का शरीर पे आवरण रखने का प्रयास करूंगा, वैसे ही वस्त्र पहनूंगा, वैसे ही अपने शरीर पर रंग रोहन करूंगा, ये उनके जैसा होने का प्रयास नहीं है। ये तो शरीर को उनके जैसा करने का प्रयास है। उनमें जो श्रेष्ठता है, जो समझ है, उनमें जो चिंतन बोध अनुभव की क्रिया जागृत हुई है, उस जागृति के लिए काम करूंगा, है ना। तो इन सारे इश्यूज पे अगर हम देखें कि अभी हम इन भावों को ठीक से समझ पा रहे हैं, जी पा रहे कि नहीं, तो समाज में समीक्षा के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। अभी उस समीक्षा में हम लोग नहीं जा रहे, बट यदि आप केंद्र में श्रेष्ठता को ले आए, सही समझ, सही भाव को ले आए, तो पूजा का भी क्या सही अर्थ है ये अपने को समझ में आता है जी। तो पूजा का वास्तविक अर्थ तो यही है कि श्रेष्ठ होने के लिए प्रयास। ये जो हम कुछ अन्यत्र बहुत सारा कुछ करते हैं उसमें सहायक भी हो सकता है, बाधक भी हो सकता है। अगर हम उसी में रुक गए
कार्य करके हम वहां पे रुक गए, कुछ व्यवहार करके वहां पे रुक गए, ठीक, और श्रेष्ठता पे ध्यान नहीं दिया, श्रेष्ठता के लिए प्रयास नहीं किया, तो उससे एक रीति बन सकती है, रिवाज बन सकता है, परंतु उससे मानव श्रेष्ठ होने लगेंगे, एक श्रेष्ठता की परंपरा बनेगी, ये कहना मुश्किल होगा। तो उनपे भी हमें थोड़ा सजगता से ध्यान देना है। गौरव का भाव मेरे अंदर होता है तो मेरे आचरण में सरलता दिखाई देती है, हमें दिखता है कि हम कोई बहुत विशिष्ट काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो परंपरा में किसी ने नहीं किया है ना, या आगे कोई नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंपरा में श्रेष्ठता के लिए समर्पित अनेकों लोग हुए, और उनके जब मैं प्रयासों का स्मरण करता हूँ, उनकी निष्ठा को देख पाता हूँ, उनकी तत्परता को देख पाता हूँ, जिस तरह से उन्होंने अखंड समाज के लिए, सार्वभौम व्यवस्था के लिए, मानवीय परंपरा के लिए, न्याय के लिए, व्यवस्था के लिए अपने आप को लगाया, अपना तन मन धन लगाया, अपना पूरी शरीर यात्रा लगाई, सर्वस्व लगाया, इन सब चीजों को जब मैं स्मरण करता हूँ तो मेरे अंदर सरलता का भाव आता है। मुझे लगता है कि मैं भी उसी कड़ी में की काई हूँ। तो अगर हम मानव परंपरा को देखें, जो रिटेन हिस्ट्री है उसको भी देखें, तो हर समय ऐसे कई मनुष्यों का जीना हुआ जिन्होंने समाज के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, प्रकृति के लिए बहुत सारा कुछ किया है। तो इससे मुझे लगता है मैं उसी परंपरा की एक कड़ी हूँ, इससे मेरे अंदर कोई अभिमान का भाव नहीं आता है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम समाज में कुछ करने जाते हैं और जैसे ही हमारे अंदर कोई अभिमान हो जाए, कोई विशेष विशेषता का भाव बन जाए, तो फिर समाज हमसे जुड़ नहीं पाता है ना, फिर हम अपने आप को अलग बताने में लगे रहते हैं। वैसे ही हम जिनको श्रेष्ठ कह रहे हैं, अगर हम उनको श्रेष्ठता को ठीक से ना समझें तो उनको हम दूसरों से अलग बताने में ही लग जाते हैं, फिर समाज हमसे जुड़ नहीं पाता। फिर धीरे धीरे जहाँ एक अखंड समाज होता उसकी जगह समुदाय बनने लगते हैं, उसकी जगह है ना भेद विभेद शुरू हो जाता है, दूसरों से प्रतिस्पर्धा का भाव बनने लगता है, उसमें संघर्ष शुरू हो जाता है, और ये सब दिखाई दे रहा है समाज में कि कहीं हमने श्रेष्ठता को समझने में चूक की, कहीं जो श्रेष्ठता के लिए प्रयास हुए उसको समझने में चूक की। इसलिए न तो श्रेष्ठ, अगर ओवरऑल देखें श्रेष्ठ होने का जिस तरह से प्रयास दिखना चाहिए समाज में, ऐसा नहीं दिख रहा, जो सरलता दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही। तो ये सब हम लोग अगर ठीक से न समझे तो ऐसी चूकें हो जाती है समाज में जीने में, हम अपने व्यक्तिगत जीने भी देख सकते हैं। वैसे ही अगर किसी ने हमारे लिए, हमारी श्रेष्ठता के लिए, श्रेष्ठता के क्रम में हमको तैयार करने के लिए जो प्रयास किया है, उस क्रम में हमारे शरीर का ध्यान रखा, हर स्थिति परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे, हमें सहयोग किया, हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा दी, हमें गाइडेंस दिया, इन बातों को जब मैं स्मरण करता हूँ तो उन व्यक्ति के प्रति जो हमारे अंदर भाव बनता है, वो कृतज्ञता है, और वो हमारे आचरण में सौम्यता के रूप में दिखाई देता है, तो वहां पे भी एक शिष्टता दिखाई देती है। तो हमें दिखाई दिया कि बचपन से लेकर अभी तक कई लोगों ने हमारे डेवलपमेंट में सहयोग किया है कि नहीं। तो बचपन में स्कूल के कोई टीचर हो, स्कूल का कोई फ्रेंड हो, है ना, हमारे माँ पिता हैं, हमारे कुंबे में कई लोग हो सकते हैं, कॉलेज में संगी साथी हो सकते हैं, टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, जो हमारी श्रेष्ठता के अर्थ में प्रयास करते हैं, उनके प्रति हमारे अंदर सहज रूप से एक भाव आता है, कृतज्ञता का भाव आता है। इसमें भी आपको दिखाई देगा कि अगर कोई व्यक्ति मेरे अंदर सही समझ, सही भाव को इंश्योर करने का काम करता है तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहता है, है ना। बट यदि उस व्यक्ति में ही सही समझ, सही भाव ना हो, परंतु हमारे साथ सही भाव शेयर कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है उसके लिए, उसकी जितनी भी कॉम्पिटेंस है, तो उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव आता है, परंतु उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, कंटिन्यूटी की संभावना तो होती है। और यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए मेयरली सुविधा उपलब्ध करा रहा है, भाव में भी अभी निश्चितता नहीं है, समझ नहीं है, तो फिर उनके लिए जो कृतज्ञता का भाव था और टेम्पररी रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम संबंधों में जब मूल्यांकन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने देखो अगले व्यक्ति के बहुत कुछ किया पर उसके अंदर कृतज्ञता नहीं है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमने जो किया सही भाव के साथ किया, सही समझ के साथ किया, या उसके अभाव में किया कि नहीं। और अगला व्यक्ति अगर हमारे साथ कुछ
कर रहा है तो सही समझ सही भाव के साथ कर रहा है या अन्यथा कर रहा है। तो अगर हम सुविधा के दायरे में ही एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं तो कृतज्ञता का भाव बना नहीं रहता, सहज रूप से बना नहीं रहता। पर यदि समझ और भाव कर्त में करते हैं, सही समझ इंश्योर करते हैं, तो कृतज्ञता का भाव सहज रूप से बना रहता है। तो और ये जो कृतज्ञता का भाव मेरे अंदर बनता है वो मेरे आचरण में सौम्यता के रूप में दिखाई देता है, मन के प्रति सौम्य हो जाता है। इस तरह से अपने अंदर मूल्यों को देखते हुए समझते हुए हमारी ऐसी स्थिति बनती है कि मैं हर एक मानव के साथ संबंध को देख पाता हूँ। ये जो हर एक मानव के साथ संबंध को देख पाता हूँ उसको प्रेम कहा। प्रेम का जो मेरे आचरण में प्रमाण दिखाई देता है अनन्यता के रूप में दिखाई देता है, कोई अन्य नहीं है, ना अन्य, कोई अन्य नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, सभी अपने हैं। तो जैसे कई बार बात होती है कि ये जो प्रेम का भाव है यही अखंड समाज का आधार है, यहीं से मानवीय परंपरा शुरू होती है। फिर मुझे दिखता है कि ऐसा नहीं कि मेरे अपने वही हैं जो मेरे शरीर से जुड़े हैं, मेरे परिवार में रहते हैं, मेरे घर में रहते हैं, हर मानव के साथ मुझे संबंध दिखाई देता है। तो पूरी अगली पीढ़ी मुझे अपने बच्चे के रूप में दिखाई देती है, ये धरती ही मुझे अपने घर के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कि धरती को लूट कर मैं घर को भरूंगा, समाज का शोषण करके मैं परिवार का हित का काम करूंगा, ऐसा नहीं है। तो मुझे ये जो भाव बनता है मेरे अंदर अनन्यता का बनता है, कोई दूसरा नहीं, सभी अपने हैं। और ये भाव फिर फैलता है सहस्तित्व के अनुभव के साथ, ये भाव और फैलता है और मुझे हर इकाई के साथ संबंध दिखाई देता है, चाहे जड़ हो या चैतन्य हो, उन सबके साथ मैं अपने आप को जुड़ा हुआ पाता हूँ। तो ये भाव है सहज रूप से जो मुझे स्वीकार होते हैं और इनको जब मैं अपने अंदर चिंतन कर पाता हूँ तो मेरे आचरण में इस तरह से परिमार्जन दिखाई देता है। तो कल हम लोगों ने जो असाइनमेंट लिया था कि हम देखें कि ये जो शिष्ट मूल्य हैं अभी हमारे आचरण में कितना आ पाए हैं, तो इसको भी हम अपने आप में ऑब्जर्व करें कि अपने आप में सेल्फ एक्सप्लोरेशन शुरू करने से पहले अभी हम लोगों से कितना जुड़ के काम कर पाते थे, टीम वर्क कितना कर पाते थे, है ना, और अब कितना कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर में है, हम किचन में काम कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति किचन में आकर कर काम कर रहा है तो हम इरिटेट हो जा रहे होंगे, हो सकता है परेशान हो गए, है ना, और हमारी इच्छा होती थी कि अगला व्यक्ति बाहर चला जाए, मैं अकेले ही इस काम को कर पाऊँ। हम घर में कुछ व्यवस्था बना रहे हैं और अगला व्यक्ति साथ में जुड़ रहा है तो हम परेशान हो जा रहे हैं, तब लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे, टीम नहीं कर पा रहे। या फिर अगर अगला व्यक्ति जुड़ता है तो मेरे अंदर ये भाव रहता है कि फिर मैं जैसा कहूँ दूसरा वैसा करे, है ना, मैं प्रिस्क्राइब करूँ दूसरा ओबे करे कि नहीं। अगर ऐसा भी कुछ भाव है तो भी हम दूसरा टीमिंग नहीं कर पा रहे, दूसरे को अपने जैसा देखते हुए स्वीकारते हुए नहीं काम कर पा रहे। अब हमको क्या दिखाई देता है, तो घर में कैसा दिखाई देता है, कॉलेज में कैसा दिखाई देता है, अड़ोस पड़ोस में कैसा दिखाई देता है, क्या मैं लोगों से जुड़ पाता हूँ, क्या उनके लिए मैं सहयोग कर पाता हूँ, उनके स्थिति परिस्थिति में सहभागी हो पाता हूँ, उनके साथ जुड़ के मैं योजना कार्यक्रम बना पाता हूँ, या अभी भी मुझे लगता है कि मैं अलग थलग जी रहा हूँ, ये अपने आप में जांचने की बात है ना। वैसे ही मेरे जीने में रहस्यता बनी हुई है या फिर मैं अरहस्यता के साथ जी पा रहा हूँ, मैं दूसरे के साथ पारदर्शिता के साथ जी पा रहा हूँ, है ना। वैसे ही संबंध में कोई है, परिवार में कोई है, अगर उसने मेरे अनुकूल कोई व्यवहार किया, मेरे अनुकूल कार्य किया, मेरी इच्छा पूरी की, तो मुझे मैं उसका अधिमूल्यन कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अपना सा लगता है ना। और जैसे उसके अन्यथा किया मेरे अंदर एक भाव बनता है कि ड्रॉप किया जाए, संबंध को रोक दिया जाए, संबंध को हटा दिया जाए, ऐसा होता है क्या। ये सब अपने आप में जांचने के मुद्दे हैं। तो स्नेह का भाव होता है तो निष्ठा होती है, नहीं होता है तो ये पिक एंड ड्रॉप चलता रहता है रिलेशन से। अभी देखिए अगर इसको फैला कर हम देखें समाज में तो ये सब जो चल रहा है इसमें अभी लड़के लड़कियां हैं, दोस्ती करते हैं, फिर पिक एंड ड्रॉप चलता रहता है, ठीक, उसके कारण बहुत सारा रिएक्शन आता है, कई बार उसके अपराध होते हैं और ये बहुत सारा अपराध हर हफ्ते रिपोर्ट हो रहा है। देखें तो रिलेशनशिप को समझा नहीं है, कमिटमेंट है नहीं, है ना, रिलेशनशिप में पिक एंड ड्रॉप चल रहा है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो हम अपने अंदर ये भाव को देखें कि अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा तो क्या मेरे अंदर ये भाव बनता है कि इस रिलेशन को ड्रॉप किया जाए, या उस व्यक्ति में समझ विकसित करने के लिए मैं और जिम्मेदार हो जाता हूँ। ये अपने आप में जांचने का मुद्दा है कि मेरे भाव की क्या स्थिति है।
वैसे ही मैं कितनी उदारता रख पा रहा हूँ। परिवार में भोजन ही बना रहे हैं, ठीक, अपने बच्चे को जो खिला रहे हैं और अपने भाई के बच्चे को जो खिला रहे हैं या अपने इन लॉज के बच्चे को जो खिला रहे हैं, सो ऑन, क्या उसमें मैं भेद करता हूँ या वहां भी मैं उदारता पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ? तो मेरे अंदर ममता का भाव कितना पुष्ट हुआ है। हम कॉलेज में ही हैं, कोई सुविधा है, उस सुविधा को मैं उदारता से शेयर करता हूँ या फिर मैं अपने लिए अच्छी से अच्छी सुविधा जुटाने में लगा हूँ। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं जो अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैसे मैं कितना सहज हूँ वात्सल्य के भाव के साथ, है ना। जब भी कोई व्यक्ति मेरे सामने कोई प्रश्न लेकर आता है, मुझे समझना चाहता है, मैं सहज रूप से प्रस्तुत होता हूँ या मैं असहज हो जाता हूँ या अपने आप को विशेष मान लेता हूँ या अपना अधिमूल्यन कर लेता हूँ? अगर कोई मुझे समझना चाहता है, समझने का प्रयास कर रहा है, तो मैं उससे समय लगाने को तत्पर हूँ या नहीं? इससे हम जांच पाते हैं कि मेरे अंदर सहजता का भाव है कि नहीं है। जी, उसी तरह से हम श्रद्धा, कृतज्ञता, गौरव, इन सारे भावों को भी जांच परख कर सकते हैं। इस पे बात हुई अभी। वैसे प्रेम के भाव को लेकर हम देख सकते हैं कि मैं प्रेम के भाव में कितना स्थापित हुआ हूँ, मैं कितना फैल पा रहा हूँ संबंध में, कितना दूसरों को स्वीकार पा रहा हूँ। दूसरा मेरी जाति का है, वर्ण का है, समुदाय का है, संप्रदाय का है, नहीं है, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरा संबंध का आधार शरीर नहीं है, सुविधा नहीं है, मान्यता नहीं है, मैं और मैं का संबंध है। मुझे दिखता है कि ये तो संयोग की बात है कि मैं इस परिवार में शरीर लिया, उसने उस परिवार में शरीर लिया, ठीक, इसका विपरीत भी हो सकता था। मैंने इस समुदाय में शरीर लिया, उसने उस समुदाय में शरीर लिया, इसका विपरीत भी हो सकता था। मैं इस जाति में, इस क्षेत्र में, इस वर्ण में, है ना, शरीर लिया, इसका उल्टा भी हो सकता था। तो मैं और मैं के संबंध के रूप में देखें तो उसमें तो कोई भेद का स्थान ही नहीं है, उसमें तो अपना पराया जैसा कुछ है नहीं। और ये भी है कि जहाँ हमने शरीर लिया उसके अनुसार हमारी मान्यताएं बनती गई, जैसा शरीर लिया वैसा शरीर पुष्ट होता गया, जो सुविधाएं मिली उन सुविधाओं के साथ जीना हुआ, जो वातावरण मिला उस वातावरण के साथ जीना हुआ कि नहीं। तो हमारे अंदर एक अनन्यता का भाव आता है। ये सब अपने लिए जो शिष्ट मूल्य हैं, ये जांच परख के मुद्दे हैं। तो हम जब भाव पे काम भी कर रहे हैं तो उसको परखेंगे कैसे? कई बार लोग पूछते भी हैं कि मेरे अंदर विश्वास का भाव स्थापित हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे देख पाएंगे? तो हम देखेंगे कि हम सहयोगी, सहभागी, सहकारी हो पा रहे कि नहीं, ना मैं अगले व्यक्ति को श्रेष्ठ मान रहा हूँ या विशेष मान रहा हूँ, इसको कैसे परखेंगे? तो हमने उनको विशेष बना लिया है तो उनके जैसा होने का प्रयास नहीं करेंगे। हमने उनकी कहीं तस्वीर लगा दी, कोई मूर्ति लगा दी, कोई प्रतीक लगा दिया, उनके बारे में कुछ पढ़ने लगे, बोलने लगे, बट ये भाव ही नहीं बनता उनके जैसे हो जाए। यानी कि हम कुछ श्रेष्ठ नहीं, कुछ और मान रहे। तो ये जो 9 शिष्ट मूल्य हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस रूप में कि हम अपना मूल्यांकन कर पाए कि मेरी योग्यता की क्या स्थिति है, मेरे अंदर भाव क्या है, मेरे संस्कार क्या है, क्या मेरे संस्कार में ये बातें शामिल हैं या नहीं है। तो जो हम लोग अभ्यास 1 और 2 में भी बात करते रहे अपने संस्कारों परिमार्जन को लेकर, तो आप पाएंगे कई बार हमारे अंदर इन सब के अन्यथा बहुत सारा संस्कार बैठा रहता है ना। ये अपना पराया का भेदभाव, ये अपने में कुछ विशेषता मानना, दूसरे में कुछ विशेषता मानना, ठीक, दूसरों के साथ जुड़ ना पाना, संबंध में रिएक्शन रिस्पॉन्स होते रहना, एक तरह से रिएक्शन कभी दूसरे तरह से रिएक्शन, संबंध में भाव में पिक एंड ड्रॉप चलते रहना, मेरे अनुसार किया तो पिक किया, नहीं किया ड्रॉप किया, ये सारा। थोड़ा सा हमारे हमने कहीं प्रगति कर ली सुविधा के अर्थ में, संपर्क के अर्थ में, कोई पहचान बनाने के अर्थ में, और हमारे अंदर अहंकार हो गया, अहमता का भाव आ गया, अपने आप को हमने, है ना, अभिमान बन गया हमारे अंदर, तो ऐसा कुछ है या अन्यथा है, ये सब देखने की बात है। अपने अंदर जांच परख की है तो 9 शिष्ट मूल्यों को आप ध्यान में रखकर अगर अपना मूल्यांकन करेंगे तो आपके अभी समझ की क्या स्थिति है, भाव की क्या स्थिति है, आप कितना विकास कर पाए हैं। कमरे में बैठे बैठे तो हम अपने आप को समझदार मान सकते हैं, बट जब हम अपने आचरणों को देखते हैं तो हमको पता लगता है कि अल्टीमेटली कहाँ पहुंचे हैं। ये महत्व है इन 9 शिष्ट मूल्यों का।
जी बनीषा जी, नमस्ते नमस्ते। भैया। हमारे सारी इस्टेब्लिश्ड वैल्यू या स्थापित मूल्य हैं, वो कॉन्टिन्यूटी में हर एक के लिए होंगे? नहीं तो जैसे श्रद्धा का भाव है, हर एक लिए नहीं होगा, जिनमें ज्ञान की आचरण की पूर्णता है उनके लिए होगा। जैसे ट्रस्ट का जो फर्स्ट वाला है, जो स्टार्टिंग वाला है, वो भी हर एक ट्रस्ट के प्रति सबके प्रति नहीं होगा, है। जो विश्वास का भाव है वो हर चैतन्य इकाई के प्रति होगा, सबके प्रति होगा। मैं योग्यता का आकलन करूंगा है ना, तो सबका करूंगा, तो सम्मान का भाव सबके प्रति होगा। फिर उस सम्मान के साथ जो हमारे अंदर संबंध को स्वीकार कर जीने की तैयारी बनी, स्नेह का भाव, वो कुछ लोगों के साथ हम जिम्मेदारी स्वीकारते हैं तो वो स्नेह का भाव कुछ लोगों के प्रति होगा, है ना, जहाँ हम कमिटमेंट के साथ लगे रहते हैं। तो कमिटमेंट में भी फर्स्ट देखें में तो क्वेश्चन जी है, मतलब जैसे उसमें हमने देखा जो एक्सपेक्ट वैल्यू है वो है कि हम उसका सहयोग या मतलब इस टाइप के इंडिकेटर्स है, बट वो हमें हर एक के प्रति दिखता नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि जब हम क्योंकि जैसे अगर मैंने ऑब्जर्व किया है कि आजकल जैसे कहते हम कुछ और हैं, बट हम जो बिहेवियर है उसमें वो चीज एक्सप्रेस नहीं होती, तो वो ट्रस्ट का भाव बनता नहीं है रुके आजकल रुके, ये डायरेक्ट दोनों ही बातें हो गई, फ्रॉम। अलग अलग बातें हो गई। अगर आप दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं और दूसरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, ये दूसरे की समस्या नहीं आपकी समस्या है। दूसरे में कॉम्पिटेंस की कमी है बट आपके अंदर उसके इंटेंशन पे डाउट हो रहा है, ये तो आपकी समस्या हुई। यहाँ दूसरी बात हो रही है कि अगर मेरे अंदर विश्वास का भाव होता है तो मेरे आचरण में सौजन्यता दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि दूसरे में समझ होती है तो मेरे अंदर उसके प्रति विश्वास का भाव बनता है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। ओके, तो विश्वास का इसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, मतलब समझ नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, फिर भी हम विश्वास कर रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब किस मुझे चीज में दिखता फिर है कि हम चाहना ठीक सहभागिता है, करेंगे? मुझे दिखता है कि हर मनुष्य की चाहना ठीक है, सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, उलझा हुआ है, उसके कुछ गहरे संस्कार फंसे हुए हैं, गहरी मान्यताएं फंसी हुई है, परेशान है, इसलिए पूरा नहीं पड़ रहा, आचरण में समझ की कमी है। बट चाहना ठीक है, ये हमको दिखाई देता है। ओके, बट उसमें हम अपने आप जैसे को देखें, डाउट होता है, क्योंकि जब वो लेकिन क्या अभी दूसरों अपने आप को देखें, है ना, आपकी चाहना ठीक है को कि नहीं, आप सुखी होना जी चाहती हैं कि नहीं, सुखी जी करना चाहती हैं कि नहीं दूसरों को, जैसे परिवार की बात करें, आप दूसरों को सुखी करना चाहती हैं कि नहीं, हाँ जी बट आप दूसरों पे गुस्सा करती हैं कि नहीं, उनके देखकर इरिटेट होती है कि नहीं, परेशान होती है कि नहीं। हर एक पे तो नहीं होते। हाँ, जिन पे भी होते हैं, है ना, अब किसी पे आप गुस्सा कर रही हैं, ठीक, देखकर इरिटेट हो रही हैं, अब जब आप इरिटेट होते हैं अपने आप में गुस्सा कर उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, कभी हम उसके ऊपर नाराज होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, है ना, कई कई कभी कभी मान लीजिए वायलेंट भी हो जा रहे हैं। अब अगला व्यक्ति आपको देखता है तो क्या देखता है, उसको लगता है कि मुझे दुखी करना चाहती है, आप उसे सुखी करना चाहती हैं बट इरिटेट हो गई, उस इरिटेशन को जो आपने व्यक्त किया, रिएक्ट किया अपने आचरण में, तो अगले व्यक्ति ने तो आपके वर्ड्स को सुना, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन को देखा, आपके कंडक्ट को देखा, अब दूसरे को क्या लगता है कि मुझे दुखी करना चाहती हैं, आप सुखी करना चाहती हैं, दूसरे को लग रहा है आप दुखी करना चाहती हैं। यही बात अपने लिए देख लें कि दूसरा भी आपको सुखी करना चाहता है ओके, बट उसके कंडक्ट को देख के हम मान लेते हैं कि दुखी करना चाहता है। जी वो भी एक पॉइंट है। और मेरा एक दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे सहभागिता फिर हम किसको बोलेंगे, फिर कैसे हर एक के साथ करेंगे? हर एक के साथ नहीं करेंगे, उसमें तो हम दूसरे की चाहना पे आश्वस्त होकर उसके योग्यता के अनुसार सहभागी होंगे। तो ऐसा नहीं कोई समाज में करप्शन कर रहा है, लूट रहा है समाज को, तो हम सहभागी हो जाएंगे, कोई अपराध कर रहा है तो जी सहभागी हो जाएंगे,
बट हम इंटेंशन पे अश्योरेंस बने रहते हुए जिनके साथ भी प्रोग्राम बना रहे हैं उनकी योग्यता का आकलन करके उसके अनुसार सहभागी होंगे, सहकारी होंगे। ओके, मतलब कि जो हमारा ट्रस्ट है वो हर एक के प्रति होगा, बट जो जो हम उसको कंडक्ट में जो एक्सप्रेस करेंगे वो कॉम्पिटेंस के बेस पे करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब ऐसा नहीं कोई हमारे घर में सेंध लगा रहा है तो हम सहभागी सहयोगी हो, आओ भाई हम भी मिलके सेंध लगाते हैं अपने घर में, है ना? ऐसा तो नहीं करेंगे, ठीक, तो उसको तो रोकेंगे। इसी में डाउट है जी। हाँ, तो जब हम दूसरे के साथ एक्सप्रेशन में जाते हैं, उसको जब हम जीते हैं, ठीक, तो उसकी योग्यता का आकलन करते हैं। बट इसमें दो बात है, एक तो यह है कि अगला व्यक्ति कुछ सार्थक भी कर रहा है बट हमको उसके इंटेंशन पे डाउट है तो हमारा आचरण एक प्रकार का होगा, ठीक, और सार्थक कर रहा है इंटेंशन में डाउट नहीं है तो हम जुड़ पाएंगे। हम कुछ सार्थक कर रहे हैं उसमें लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, लोगों को जोड़ पाएंगे कि नहीं। जी, हाँ जी, अभी क्लियर हो गया। दूसरा ये क्वेश्चन था कि जैसे जी भैया, और दूसरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम इंस्पिरेशन किसी से लेते हैं या हमें ऐसा लगता है कि श्रद्धा का भाव है, पर जब हम उनके वही कंडक्ट में कुछ देखते हैं या हमें कुछ ऐसे उनकी कमी पता चलती है तो वो एकदम से वो हो जाता है, जैसे कम हो जाता है या ऐसे लगता है कि उनके जैसे नहीं होना, तो जी, वो देखिए ये तो और अपने आप में जांच परख की बात है कि हमने श्रेष्ठता को माना हुआ क्या है। तो अगर हम अपने आप में श्रेष्ठता को इंश्योर करने जाते हैं ना तो हम दूसरे में भी श्रेष्ठता को ठीक से पहचान पाते हैं, नहीं तो फिर ये होता है कि हमने किसी को श्रेष्ठ मान लिया और तो उनके बारे में एक न्यूज छप गया, अब हमारी सारी आस्था टूट गई। तो श्रद्धा नहीं था, वो आस्था थी, कुछ मानना था हमारे अगले व्यक्ति के बारे में, हमने श्रेष्ठता को भी समझने का ठीक से प्रयास नहीं किया, इसलिए कुछ आधारों पर हमने श्रेष्ठ मान लिया जी, ना। तो जिसको हम श्रेष्ठता भी आस्था क्या है? बोले। हाँ, तो आस्था कह ले उसको, उसको एक मान्यता है वो, तो ऐसा तो समाज में सुनाई पड़ ही रहा है ना, हर महीने दो महीने में कोई ना कोई ऐसा न्यूज आता रहता है तो लोग उनके प्रति कुछ आशान्वित रहते हैं एक प्रकार से, जब ऐसा न्यूज छपता है तो फिर उनकी आशा टूट जाती है, आस्था टूट जाती है। तो अभी श्रेष्ठता भी क्या है ना, तो जो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा उसके जीने में ये भाव या आचरण दिखाई देंगे। ठीक है, और इसके अन्यथा बहुत और सारा कुछ देख ही रहे हम समाज में चल रहा है अभी। हाँ जी, तीसरा जैसे आपने टीम वर्क में बताया ना, टीम वर्क हम करते हैं तो उसमें जैसे कि मेरा संस्कार है या जैसे भी बोलो हैबिट हो कि मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ जो भी मेरे को फीलिंग या मेरे को क्वेश्चन होता है या कुछ भी डाउट होता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट नहीं बोलते, वो मतलब पूछ पूछ के ऐसे इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं कि अगर उन्हें नहीं भी समझ आ रहा तो वो ऐसे एक्ट करेंगे कि उन्हें सब समझ आ रहा है बट काम हमसे करवाएंगे, तो उसमें ना थोड़ी इरिटेशन होती है कि ये डायरेक्ट भी हमें बोल सकते हैं कि अगर इनको इस चीज में डाउट है तो वो समझ, हम एज ए टीम समझ सकते हैं, बट वो शो नहीं करना चाहते कि उनको नहीं पता और वो इनडायरेक्टली फिर अलग अलग तरीके से पूछते हैं और सोचते हैं कि ये हमें बता दे खुद ही या हमारे लिए कर दे, तो उसमें थोड़ी इरिटेशन होती है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस इरिटेशन को कैसे मतलब वो करना चाहिए? अगर हमारे अंदर विश्वास का भाव है तो उस भाव के साथ हम संवाद करेंगे अगले व्यक्ति के साथ, तो हम जहाँ भी कहीं जी रहे होते, परिवार में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, कहीं भी काम कर रहे हैं, बैठ के संवाद करते हैं और संवाद के हमारे जो मुद्दे होते हैं वो समझ और भाव को लेकर होते हैं, जो योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन है ये सब जो है, प्लान है, प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें जो हर्डल्स है ये सब तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है फीलिंग का पार्ट, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट, उसमें बैठ के संवाद करते हैं। तो ये परिवार में भी हो सकता है ना, ये समाज में भी हो सकता है, ये संस्थाओं में भी हो सकता है, तो हमारे अंदर एक रेडीनेस होती है संवाद के लिए। और हम अगर हमारे अंदर विश्वास का भाव है, हम अरहस्यता से जी रहे हैं तो हम खुलकर अपने आप को प्रस्तुत भी करते हैं और दूसरे को भी हम खुलकर प्रस्तुत होने के लिए प्रेरित करते हैं कि जो भी भाव उसका खुलकर रखिए, है ना, उसको समझा जाए। अगर हम इस काम को करते हैं तो धीरे धीरे हमारे संबंध में एक निष्ठा आती है, नहीं तो हम साथ साथ काम कर रहे होते हैं बट एक दूसरे पर शंका पाले हुए, अंदर विरोध पाले हुए, इरिटेशन पाले हुए, हमारे अंदर उसके प्रति एक दुराव बना रहता है।
हम उसको स्वीकार भी नहीं पाते कि नहीं, क्योंकि साथ मिलकर काम करना एक मजबूरी है, घर में रहना एक ही घर में मजबूरी है, तो ऐसा सोचकर हम संबंधों को निर्वाह कर रहे होते हैं, बट उन संबंधों में सुख नहीं होता। बट जब हम सामने बैठकर बात करते हैं, अपने भाव को शेयर करते हैं, समझने की मुद्दों को लेकर आते हैं, उनको शेयर करते हैं, तो फिर हमको एक दूसरे के संस्कारों के बारे में पता चलता है और हमको दिखता है अगला आदमी कहाँ फंसा हुआ है और उसको कैसे निकालना होगा। अगर हम कहीं फंसे हुए हैं तो हमें भी दिखता है कि हम इरिटेट हो रहे हैं, देखो हमें अपने आप को में भी काम करना होगा। अगले व्यक्ति ने कोई, जब हमने संवाद शुरू किया, अगले व्यक्ति ने हमारी गलतियां चार गिना दी कि देखो तुमने यहाँ यहाँ गलती की, अब हम उखड़ गए, उग्र हो गए, हमको दिखता है कि देखो अभी तो मेरे में इतना सारा कुछ शेष है काम करने के लिए, योग्यता नहीं है हमारे में, तो अपने ऊपर भी काम करते हैं। तो संबंधों में जो संवाद होता है विश्वास के भाव के साथ, अरहस्यता के साथ, ये फिर हमको साथ साथ जीने में निष्ठा तैयार करता है। नहीं तो साथ साथ जी रहे हैं, निष्ठा नहीं है, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं बट एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, एक ही टीम में काम कर रहे हैं बट अवॉइड कर रहे हैं, ये सब चलता रहता है। और फिर इसका हमारे अंदर इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब स्थिति बनी रहती है। और फिर जब भी हम अपने अंदर की बात जब शेयर करने जाते हैं किसी से, तो हम अपना शिकायत रखते हैं दूसरों के प्रति, है ना, जो हमारे अंदर दुख बना हुआ है, परेशानी बनी हुई है, उसको हम रखना शुरू कर देते हैं। नहीं तो हम जिसके साथ हमको संबंध में कठिनाई, उसके साथ बैठ के संवाद करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इसमें आप देखें तो इसको एनकरेज भी किया जाता है कई बार, जैसे आप कंपनी जो भी देखें तो कहेंगे 101 होना है, और बात है उनके 101 होने का मुद्दा प्रोजेक्ट होता है, कार्य होता है, बट 1-to-1 संवाद तो जरूरी है। ऐसे परिवार में भी हम कर लें, किसी के साथ भी कठिनाई है, मदर इन लॉ के साथ कठिनाई है, फादर इन लॉ के साथ कठिनाई है, मदर के साथ, फादर के साथ, है ना, स्पाउस के साथ, बैठ के इन मुद्दों पे हम बात करेंगे, ठीक, हम अपने भाव को शेयर करेंगे, अगला अपने भाव को शेयर करेगा, इसके लिए प्रेरित करेंगे, अगला व्यक्ति हमारे कहने से शुरू कर देगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट हमारी तत्परता उसको दिख जाती है कि तो हर मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है, ठीक है ना। हमारे जीने में कोई रहस्य नहीं है, हम लुके छुपे के तौर पे कोई गलती नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरे को दुखी करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई छल नहीं कर रहे हैं, है ना, हम अपने आचरण को पारदर्शिता से शेयर करते हैं और दूसरे को प्रेरित करते हैं। तो आप पाएंगे इसके साथ संबंध में गहरी स्वीकृति बनती है आपके प्रति, आपके आचरण, आपके व्यक्तित्व के प्रति। अगला व्यक्ति उसको सामने रखे, परोक्ष रूप से रखे, है ना, बट आपका मूल्यांकन वो ज्यादा ठीक से कर पाता है। फिर जी बढ़िया दीदी, तो इन शिष्ट मूल्यों पे हम ध्यान दें, इससे हमको अपने स्वयं के आकलन में सहयोग मिलेगा कि हमारी योग्यता कितनी बढ़ी है, ये शिष्टता हमारे आचरण में है कि नहीं, इससे पहले कि दूसरा आकर हमें टोके रोके, हम खुद में भी देख पाते हैं कि हाँ यहाँ मैं कम पड़ता हूँ कि नहीं। पवनेन्द्र भैया ने लिखा है, अभिमान के रहते विश्वास और सम्मान का भाव स्थापित नहीं हो पाता, इससे विरोध बना रहता है, इसे दूसरा ठीक नहीं दिखता। जी मैं ऐसा पूछ रही थी कि जो शिष्ट मूल्य है और जो स्थापित मूल्य है, उसमें हमें हमारी समझ कितनी हुई है इसको चेक करने के लिए हम शिष्ट मूल्य के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ये वाली बात है ना कि हमें स्थापित मूल्य अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके वो एक्सप्रेस होगा उस तरीके से। तो मतलब एज डेफिनेशन तो थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि फिर ये स्थापित मूल्य का मतलब ये होता है, बट उसको डेवलप करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब एक्शनेबल चीजें क्या हो सकती है, जैसे समझना और फिर अनुभव तक पहुंचना और उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली होना, तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर हम डे टू डे उसको अपने आचरण में करें और अपने अंदर उसको करें, तो उसके लिए क्या एक्शनेबल चीजें हो सकती है। मैं प्रश्न समझ गया, एक्शनेबल एक तो ये है कि हम जैसे रोज सुबह जुड़ रहे हैं, एक घंटा कम से कम समझ के लिए लगा रहे हैं, तो हम ये अपने आप में इंश्योर करें कि एक घंटा कम से कम, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हम समझ के लगाएं ठीक से, तो हम उन भावों पे ध्यान दें, उन भावों को चित्रित करें, उन भावों का विश्लेषण करें, उनको जीने से जोड़कर देखें और स्वयं में जांचें भी, ताकि उन भावों का चिंतन हो पाए, मेरे अंदर विश्वास के भाव का चिंतन हो पाए, सम्मान के भाव का चिंतन हो पाए,
उसके लिए काम करेंगे, निष्ठा पूर्वक काम करेंगे, तत्परता पूर्वक काम करेंगे, तो इन शिष्ट मूल्य को देखते हुए अपना मूल्यांकन करते हैं। बट ऐसा नहीं कि हमको इन शिष्ट मूल्यों को ओढ़ना है अपने ऊपर, है ना, इसको हमको दूसरों के सामने ऐसा ही प्रस्तुत करना, ऐसा नहीं। उसके आधार में जो आधार मूल्य है, जो स्थापित मूल्य है, उनको हम ठीक से अपने आप में इंश्योर करेंगे, उनका चिंतन के लिए हम प्रयास करेंगे, हम चिंतन की क्रिया को जागृत करने का काम करेंगे। मतलब जैसे कि अगर हम शिष्ट मूल्य देखें तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम सिर्फ और सिर्फ समझने के उस पे करें, और जब हम व्यवहार करें तो फिर वो अचानक से हो। तो जब हम व्यवहार कर रहे होते हैं और हम पूरी तरीके से समझे नहीं होते हैं, तो उस चीज में एक अलग तरह का प्रेशर फील होता है कि मतलब समहाउ ऐसा फील होता है कि हम कुछ बनावटी व्यवहार कर रहे हैं। ना करें भाई, मैं कह रहा हूँ बनावट नहीं करेंगे, हम समझेंगे, समझने के लिए समय लगाएंगे। अब हम समझने के लिए समय ना लगाएं और सोचे कि सब कुछ अच्छा अच्छा कहे मेरे बारे में लोग, तो क्यों ऐसा होगा। तो हम समझने के लिए समय लगाएं, देखिए मुझे दिखाई दे कि अल्टीमेटली मैं सुखी होना चाहता हूँ और सुखी होने का यही कार्यक्रम है ये। जब तक हमको लगता है यह भी एक कार्यक्रम है, तब तक हम अन्यत्र समय लगाते हैं। हमको दिखता है यही कार्यक्रम है ना, तो हम यही में समय लगाएंगे, तो सहज रूप से लगाते जाएंगे हम उसमें और आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी से ही पे शिफ्ट होना एक मुख्य कार्यक्रम है। और जैसे आपने बोला कि उस भाव का चिंतन करना, तो मतलब भाव तो कोई ऐसी मतलब कोई बहुत सॉलिड वस्तु है नहीं ना, मतलब चिंतन इन द सेंस क्या? आप पहले वाली बात तो सुन पाई थी जो हमने मॉड्यूल 3-4 में डिस्कशन किया, क्योंकि चिंतन को लेकर तो हमने काफी सारा डिस्कशन किया। जी जी, उसको आप सुन ले एक बार, है ना, चिंतन बोध अनुभव की क्रियाओं को लेकर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो उसका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया, चिंतन का अर्थ क्या है। ठीक है, चिंतन का मतलब है स्वभाव का दिखना, भागीदारी का दिखना, इसको चिंतन कह रहे हैं। बढ़िया बढ़िया दीदी, थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। तो मानव और शेष प्रकृति के बीच में जो मूल्य दिखाई देते हैं, उसको एक का उपयोगिता मूल्य, दूसरे का कला मूल्य। तो उपयोगिता मूल्य मतलब जो सुविधा है वो शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के अर्थ में है। तो उपयोगिता का मतलब है कि मैं सुविधा का इस रूप में प्रयोग करता हूँ, इसके साथ ऐसी भागीदारी करता हूँ ताकि वो मेरे पोषण के लिए उपयुक्त हो जाए। जैसे सब्जी आई है ना, और सब मतलब खेत में बहुत सारी चीजें उग रही है, हर तरह की चीज जो खेत में हो रही है उसकी अपनी उपयोगिता है, उसको मैं समझता हूँ और उसी रूप में उसका प्रयोग करता हूँ। प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से हर एक इकाई की कोई ना कोई भागीदारी है, उसको मैं समझता हूँ और उसी रूप में उसका निर्वाह करता हूँ। तो शरीर के पोषण के अर्थ में क्या है, संरक्षण के अर्थ में क्या है, सदुपयोग के अर्थ में क्या है, ये उसकी उपयोगिता है। उपयोगिता जिसमें बनी हुई है उसकी उपयोगिता बनी रहे, ठीक, उपयोगिता और बढ़ जाए, वो जो उपयोगिता है वो कैसे हमारे व्यवहार में भी सहायक हो जाए, सहयोगी हो जाए, इन सब मुद्दों पे जब मैं ध्यान देता हूँ उसको कहा कला। तो जैसे हम खेत से सब्जी आई, अब हम उसको बनाते हैं, तो इस विधि से बनाते हैं कि ज्यादा सुपाच्य हो जाए, पच जाए। अगर हम कच्चा आलू खा जाएं तो हमारे शरीर में ठीक से लगेगा नहीं, भले आलू उपयोगी है स्वास्थ्य के अर्थ में, बट कच्चा आलू खाने से हो सकता है पेट बिगड़ जाए। तो हम आलू को बॉयल करके खाएंगे, पका कर खाते हैं, ये कला है, इसको कहा पाक कला, कि एक कला है ना, उसमें हमने क्या किया, उसकी उपयोगिता को हमने बढ़ाई, उसकी उपयोगिता को हमने संरक्षित किया। ठीक, बन जाने के बाद हम उसको ढक के रख देते हैं ताकि बिगड़े नहीं, ये भी एक कला है। वैसे कपड़ा हम बनाते हैं शरीर के संरक्षण के लिए, तो कपड़ा तो हर तरह से ढक सकता है अपने शरीर को, बट हम बटन इस तरह से लगाते हैं उसमें ताकि उसे पहनने हटाने में आसानी हो, सुविधा हो, ठीक है ना। उस कपड़े को पहनकर हम कोई काम कर रहे हैं तो काम करने में हमको सहूलियत हो, तो ये उसकी कला है। हम मकान बना रहे हैं, मकान इस विधि से बना रहे हैं ना, ताकि उसमें अंदर जाने बाहर आने में हमको सहूलियत हो, ताकि उस घर में जब हम रह रहे हैं और अपने भिन्न भिन्न कार्यक्रमों को कर रहे हैं तो उसमें हमको सहूलियत हो। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि उस सुविधा की उपयोगिता को हम बनाए रख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये कला है। तो जैसे लिखा है प्रोटेक्टिंग द फिजिकल फैसिलिटी, सुविधा को बनाए रखना, ईज इन यूज, इसका एक बात हुई कि हम कैसे उससे और बेहतर ढंग से उपयोगी बना पाए। और जब हम दूसरे मनुष्य का निर्वाह कर रहे हैं,
तो उसमें कैसे फैसिलिटेट करें, जैसे जिस रूप में ये जूम ऐप बनाया गया है ना, तो ये कला भी इसमें शामिल है, स्किल इसमें शामिल है। अब इसमें आप पूरे जूम ऐप को देखिए, तो जैसे हम लोग हैंड रेज करते हैं, जैसे मैसेज ओपन करते हैं, जैसे लॉग इन लॉग आउट करते हैं, ठीक, जिस विधि से बनाया गया है वो कला है। जिस तरह से हमारे कोई स्क्रीन दिखाई देता है, जिस तरह से साथियों के नाम दिखाई देते हैं, जिस रूप में हमने उनको आपस में व्यवस्थित किया, ये कला है। तो इस रूप में हम देखें तो कला मूल्य दिखाई देता है। वही हम कार्य में भी देख सकते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य को और बेहतर ढंग से कैसे किया जाए, तो कैसे इको फ्रेंडली बने, कैसे है ना पीपल फ्रेंडली बने, ये सारा उस कला में जुड़ जाता है। इसमें मुख्य बात समझने की ये है कि जिसमें उपयोगिता है वहीं पे कला है। अगर उपयोगी नहीं है और फिर हम उसमें ये सब करने लगे तो फिर कठिनाई है। अब शराब है, शराब शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, नुकसान करेगा, शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं है। अब उसको हम जाइए इतने सुंदर ढंग से पैकेजिंग कर दें, उसमें कोई कला नहीं है। कहने को हम कह सकते हैं कलात्मक ढंग से पैकेजिंग की है, बट अल्टीमेटली क्या किया हमने, उस शरीर को तो नुकसान ही करेगा ना कि नहीं। हम भाषा जो बोल रहे हैं उसमें भाव ठीक नहीं है, अपशब्द है हमारे आचरण में निकल रहे हैं भाषा में, और वो अपशब्द को हम जितने भी ढंग से बोले, अल्टीमेटली है तो अपशब्द, भाव तो बिगड़ा हुआ है, ये कोई कला नहीं है। तो कला का जो सही स्वरूप है वो ये है कि जिस सुविधा की उपयोगिता है उसको, उपयोगिता को हम कैसे बढ़ाते हैं, कैसे बनाए रखते हैं, कैसे उसको हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा के अर्थ में प्रयोग करते हैं, कैसे उभय सुख उभय समृद्धि के अर्थ में प्रयोग करते हैं, ये कला है। इस रूप में देखें तो गीत संगीत भी एक कला है। हमें जो बात रखनी है वो बात को हम गीत संगीत के माध्यम से कह सकते हैं, कविताओं के माध्यम से कह सकते हैं, कहानियों के माध्यम से कह सकते हैं, उसको हम कोई प्ले इनेक्ट कर सकते हैं, कोई नाटकीय मंचन कर सकते हैं, उसमें मूवी बना सकते हैं। अभी देखिए जिस रूप में स्लाइड हमारे सामने है, स्लाइड में भी एक कला का प्रयोग हुआ है, कलर्स का जिस तरह से प्रयोग हुआ है, कहीं पे काला रंग है, कहीं पे सफेद रंग है, कहीं पे है ना पर्पल कलर है, तो ये भी एक कला है। तो इस रूप में कला का महत्व दिखाई देता है। अभी समाज में चूक होती है कि हम कला पे तो हो सकता है बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट उसके आधार में जो उपयोगिता है वो कई बार दिखाई नहीं देती, या होती भी नहीं है, या उसमें जो भाव होता है वो भाव ही शोषण का है, दूसरे मनुष्य के शोषण का, शेष प्रकृति के शोषण का। तो उस तरह की वस्तुओं में अगर हम जाएंगे तो वहां पे तो कोई कला का स्थान ही नहीं है। जी, तो उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य इस रूप में दिखाई देते हैं। तो हम लोगों ने 30 मूल्यों पर डिस्कशन किया, सेल्फ में स्थापित जो 4 मूल्य हैं उन पे हम लोगों ने बात की, फिर माना के रूप में 6 मूल्यों के रूप में बात की, फिर संबंध में 18 मूल्यों की बात की, और फिर सुविधा के संबंध में 2 मूल्यों की बात की। इन सबको जोड़कर देखें तो 30 मूल्य होते हैं। अब ये हमारे विश्लेषण के लिए उपयोगी है, हमारे कल्पनाशीलता के लिए उपयोगी है, बट इसको एक एक करके जब अपने आप में चिंतन तक हम ले जाने का प्रयास करते हैं तो फिर हमें इसमें अपने आप में बहुत सारा होमवर्क करने का अवसर दिखाई देता है। नीति के रूप में देखें तो मूल्य, ये अर्थनीति, राजनीति, धर्म नीति, ऐसे 3 प्रकार से नीति दिखाई देती है, जिसपे हमने संक्षेप में पहले बात की थी। और हमारे अर्थ के रूप में देखें जो उपलब्ध है हमारे पास, तो मन, तन और धन, ये 3 चीजें अर्थ के रूप में दिखाई देती है। तो जो संवर्धन की नीति है उसको अर्थनीति कहा, जो संरक्षण की नीति है उसको राजनीति कहा, जो सदुपयोग की नीति है उसको धर्म नीति कहा। बहुत बारीकी से देखें तो जो सुविधा है उसमें संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग, ये 3 स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शरीर की बात करें तो संरक्षण और सदुपयोग, और मतलब तन की बात करें, और मन की बात करें तो सदुपयोग, अगर बहुत बारीकी से देखें तो ऐसा दिखाई देगा। बट इन 3 में ही संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग की हम बात कर सकते हैं। तो अगर सेल्फ की बात करें, सदुपयोग की बात करें, तो हम कैसे अपने आप में विकास कर पाए, कैसे हमारे अंदर सही समझ, सही भाव इंश्योर हो, तो उसके लिए हम जो अभी प्रयास करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम अध्ययन करते हैं, उसके लिए हम अभ्यास करते हैं, ठीक, उसको जीने में हम प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, ताकि मेरे अंदर ज्ञान की पूर्णता हो जाए, आचरण की पूर्णता हो जाए, ये मैं का सदुपयोग है।
वैसे शरीर का सदुपयोग देखें तो शरीर एक साधन के रूप में कैसे इस अर्थ में प्रयोग हो जाए। तो मेरा जो लक्ष्य है स्वयं में अनुभव तक पहुंचना है, उस अर्थ में शरीर एक साधन की तरह काम करे, जो मुझे जी कर देखना है इस क्रम में, इसलिए साधन की तरह काम करे, है ना। तो जिसमें शरीर से मैं व्यवहार कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, भागीदारी कर रहा हूँ, उन सब में एक साधन की तरह काम करे, ये इसका सदुपयोग है। और सुविधा की बात करें तो उसके बारे में हम नीति बनाएंगे कि कैसे इस सुविधा है, इस शरीर जो मेरा साधन है, इसके लिए पोषण संरक्षण सदुपयोग अर्थ में बना रहे, इसका सदुपयोग ठीक से बना रहे, तो इसके लिए जो हम नीति बनाएंगे, ये सुविधा के सदुपयोग की नीति में, तो सदुपयोग की नीति के रूप में देखें तो मन, तन और धन, इस तरह से इनका सदुपयोग दिखाई देता है। वैसे संरक्षण की बात करें तो अगर अपनी बात करें तो कैसे मेरे गति के लिए, मेरे विकास के लिए या किसी भी चैतन्य इकाई के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना रहे, जो ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो हमारे समझ में बाधक हो, तो उनसे हम अपने आप को बचा के रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, जो मेरे अंदर गति बनी, जो मेरे कल्पनाशीलता में जो बातें ध्यान में आ गई, है ना, वो कैसे मेरे जीने में बने रहें। तो जैसे हमें कोई बात प्रस्ताव के रूप में मिला वर्कशॉप में, अब धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं उसको, है ना, जाकर अपने जीने में ही कहीं उलझ गए, उन्हीं चीजों में फिर से रम गए, तो फिर क्या हुआ कि जो कुछ हमें हमारे ध्यान में आया था वो धीरे धीरे लूज होने लगा, संरक्षित नहीं रहा। तो हम फिर रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम सुबह का सेशन अटेंड करते हैं, हम योजना कार्यक्रम बनाते हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ कुछ लोगों के साथ जुड़कर हम कोई कार्यक्रम तैयार करते हैं, तो ताकि एक हमारे अंदर भी जो गति बनी वो गति बनी रहे, ठीक है ना, और आसपास का वातावरण भी उसके लिए अनुकूल बना रहे। वैसे अगर शरीर की बात करें तो शरीर को हम संरक्षित बना के रखते हैं, उसे हम स्वस्थ बना कर रखते हैं, ताकि शरीर एक साधन के रूप में काम करता रहे। और सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं का हम संरक्षण करते हैं, है ना, हम उन्हें बचा कर रखते हैं ताकि वो बिगड़े नहीं, खराब ना हो जाए। कोई फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर हमने पेंट लगा दिया ताकि उसमें दीमक ना लगे, ताकि बिगड़ ना जाए। भोजन है, भोजन को ढक के रख दिया ताकि उसमें कीड़े ना गिरे, खाने योग्य बना रहे, उसको ऐसे वातावरण में रखा जिससे कि वो उपयोगी बना रहे, तो इसका संरक्षण है। संवर्धन की अगर बात करें स्वयं के लिए, तो ऐसे कार्यक्रम से जुड़ना जिसमें हमारा हमारी समझ बने, जिसमें हमारी गति बने, हम अनुभव तक पहुंच पाए, हमारे अंदर अनुभव बोध चिंतन की क्रिया जागृत हो पाए। वही अगर समाज की बात करें तो समाज में लोक शिक्षा का कार्यक्रम, शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम शुरू करना, लोक शिक्षा क्रम में हर तरफ जो भी लोग जहाँ जैसी स्थिति में है उन तक सही बात पहुंच जाए, कोई एडल्ट हो गए हैं उन तक बात नहीं पहुंची है, उन तक भी बात पहुंच जाए, जेल में कैदी हैं उन तक भी बात पहुंच जाए, है ना। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं ताकि दूसरे के अंदर समझ बढ़े, लोक शिक्षा में, शिक्षा संस्कार में, ये सब संवर्धन की नीति हुई। उसी क्रम में हम कलाओं को विकसित करते हैं, तो जो पूरे वर्कशॉप आप डिजाइन देखें तो इस प्रकार से है कि व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहां से ध्यान देना शुरू करे। पहले सेशन में समझ, संबंध और सुविधा की बात करते हैं, उससे क्या होता है, लोगों को दिख जाता है कि सिर्फ सुविधा महत्वपूर्ण नहीं है, संबंध से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और संबंध में सही जीना समझ के साथ होगा, तो व्यक्ति का ध्यान चला गया। ये एक कला है जिस रूप में पूरे कंटेंट को डिजाइन किया गया, और इससे क्या हो रहा है, अगले व्यक्ति के समझ में बढ़ोतरी हो रही है, उसका ध्यान ठीक से जा पा रहा है समझ की। वैसे शरीर के संवर्धन की बात करें तो जो हमारा शरीर में पोषण होना है वो ठीक से हो, है ना, वो शरीर के संवर्धन की बात होगी। और देखें तो जो प्रजनन की क्रिया है जिसके आधार पर नए शरीर तैयार हो रहे हैं, जिससे सेल्फ को बॉडी मिल रहा है, जिससे मानवीय परंपरा बनी हुई है, ये भी शरीर के संवर्धन की बात हुई। तो शरीर के स्वास्थ्य को इंश्योर करना, साथ में जो नई पीढ़ी तैयार करना की बात हुई। और सुविधा की बात करें तो सुविधा का हम उत्पादन करते हैं सही विधि द्वारा, ताकि हमारी भी आवश्यकता पूरी हो और प्रकृति में उसका प्रोविजन बना रहे, सस्टेन रहे। उसके लिए हम स्किल सीखते हैं, है ना, नए नए तरीके निकालते हैं, प्रोसेसेस सीखते हैं। सुविधा के संवर्धन की बात है तो नीति रूप में देखें तो संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग, ये
तीन तरह की नीतियां दिखाई देती हैं। जी कुछ हैंड्स रेज हैं, समय तो कम है, प्रश्न ले लेते हैं मगर। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, एक प्रश्न, ये अभी आज के कंटेंट से नहीं है बट एक थोड़ा सा मैं वो कर रहा था, एक फसावट से आई, जो ऊर्जा को अपन इसमें कंटेंट में किस रूप में ले रहे हैं, जैसे तीन ही चीजें हैं व्यापक जड़ और चैतन्य, तो ऊर्जा में दो तरह की बात हुई, साम्य ऊर्जा और निरपेक्ष ऊर्जा, मैं उस जनरल ऊर्जा की बात कर रहा हूँ जो ये थर्मल एनर्जी या सोलर एनर्जी, इसको किस रूप में ले रहे हैं, इन तीनों में से क्या कहा जाएगा उनको, चैतन्य तो है नहीं वो, ये तो सापेक्ष और जड़ ऊर्जा है। जड़ में ऊर्जा है ना, जड़ ऊर्जा है, चैतन्य ऊर्जा और जड़ ऊर्जा, सापेक्ष ऊर्जा में दो ऊर्जा होगी। नहीं मैं समझ नहीं पाया भैया, सापेक्ष ऊर्जा में दो ऊर्जा है, जड़ ऊर्जा और चैतन्य ऊर्जा। हाँ, जड़ ऊर्जा और चैतन्य ऊर्जा, जैसे जड़ क्रिया चैतन्य क्रिया, वैसे जड़ ऊर्जा चैतन्य ऊर्जा। तो उसमें मास रहता है क्या जड़ ऊर्जा और चैतन्य ऊर्जा में? अभी थोड़ा सा ऐसा ना कि अभी हम नीति पे बात कर रहे हैं, इसके संदर्भ में कुछ के प्रश्न होंगे, बात को पहले लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक। जगदीश जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। छोटा सा सम्मिलित करने का एक क्वेश्चन था कि आप तो पूरा चीज को एक दो तीन पांच मिनट में रख दिए थे, लेकिन एक छोटे छोटे चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान देते देते सभी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसके ऊपर से नीति को भी रखना चाहिए। सो ये जब सब चीजों को अलग अलग से समझना पहले और सम्मिलित रूप से समझना बाद में और कार्य रूप में लाने में सम्मिलित चीज को लाना, ये तीन अलग अलग स्तर है। मतलब मैं इस ये कला है, सॉरी, तो इस कला को आप तो बखूबी जान चुके हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन हमें उस कला को जानने की प्रक्रिया को कहां से शुरू करें या कैसे समझें? देखिए वो अपने आप में हम जितना जितना जांच परख को बढ़ाते हैं, जितना उसको जी कर देखते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि मैं कैसे समझता हूँ, तो जैसे मैं समझता हूँ वैसे दूसरे को समझने में सहयोग करूंगा। तो कला के भी आधार में अगर हम देखें, उपयोगिता है, समझ है जी, तो हम देखते हैं कि अगला व्यक्ति मैं कैसे समझता हूँ, मेरे सामने कोई बात दबाव के रूप में, प्रिस्क्रिप्शन के रूप में आता है तो समझता हूँ, या प्रस्ताव के रूप में आता है तो समझता हूँ, प्रस्ताव भी आया, प्रस्ताव मुझे स्पष्ट नहीं है तो मैं कैसे उसकी बारीकियों पर जाता हूँ, कैसे मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ, इन्वेस्टिगेट करता हूँ, जांचता हूँ, जीने से जोड़ कर कोई बात रखी जाती है तो कैसे मेरा ध्यान जाता है, और सिर्फ शब्दों में बात आती है तो मेरा ध्यान कैसे नहीं जा पाता है। तो ये जब मैं अपने आप में उन चीजों को एक्सप्लोर करता हूँ, उसको ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे दिखाई था कि अगले में भी यही क्रिया होनी है। तो हम लोग जब वर्कशॉप रख रहे हैं तो उसमें कई सारे एग्जांपल दे रहे हैं ना, जीने से जोड़कर, जिससे आदमी कनेक्ट कर लेता है। तो विश्वास के भाव पर हम बहुत लंबी चर्चा करते हैं बट एक उदाहरण न दें तो अगले आदमी को लगता है कोई सैद्धांतिक बातें हो रही है, बट जब जीने से जोड़कर उदाहरण रखते हैं तो अगला उसे कनेक्ट कर लेता है। सुविधा को लेकर हम जितनी बात करेंगे, सुविधा की आवश्यकता सीमित है, ठीक, अगले को लगता है कि कुछ शब्द के रूप में आ रहा है, बट यदि हम उसको उदाहरण ले लें, भोजन, कपड़ा, मकान और ऐसे उदाहरण ले लें जिसमें उस व्यक्ति की कल्पनाशीलता भी उलझी हुई है, तो व्यक्ति उसे तुरंत कनेक्ट कर लेता है। तो हम अपने आप में भी देखें तो हम भी ऐसे कनेक्ट करते हैं कंटेंट से। भैया वो तो एक स्तर का था जो एक एक चीज को समझने का, अभी आपने उसके ऊपर सभी चीजों को पांच मिनट में बोल दिया, 30 मूल्यों की बात पकड़ लीजिए और उसके ऊपर नीति को लाग दिया कि ये नीतियों से ये या लॉस को पकड़ लीजिए या कुछ भी उसका टर्मिनोलॉजी दे दीजिएगा आप, तो एक एक चीज को समझने तक बात तो ठीक ही है, लेकिन ये सभी चीजों को सम्मिलित रूप से समझना और उसके ऊपर से नीतियों को लादना, इसको कैसे समझे? जी तो ये अपने में धीरे धीरे उसको लेकर एक योग्यता बनती जाती है। तो हमें जब भी कोई चीज को मैं पार्ट बाई पार्ट भी देखता हूँ तो उसमें जो होल की दृष्टि है वो बनी रहती है हमारी, तो अल्टीमेटली मुद्दा सहअस्तित्व का है, सहअस्तित्व को देख पाने का, सहअस्तित्व को है ना शेयर कर पाने का, उसी सहअस्तित्व के फैलाव में इतना सारा विश्लेषण है। मुख्य जो तार है वो तो सहअस्तित्व है, तो जितना हम सहअस्तित्व को सार रूप में देख पाते हैं और जितना हम जीने से जोड़ कर देख पाते हैं, तो बीच की जो क्रिया है उसको विश्लेषित करना, तुलना करना, उदाहरणों के साथ देख पाना, ये उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर नीतियां कैसे ला देंगे उसके ऊपर?
नीति विचार में बनेगा ना, ये सब नीति बनेगी। जैसे मुझे दिख जाए कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है और सुविधा शरीर की आवश्यकता है और तीन ही प्रयोजन है, पोषण संरक्षण सदुपयोग, ये बात जब स्पष्ट हुई तो उसके लिए नीति बनेगी ना कि मुझे अपने लिए अगर पोषण के लिए व्यवस्था करनी तो क्या व्यवस्था करूंगा, संरक्षण के लिए करनी तो क्या करूंगा। वही बात हमें समाज के लिए भी दिखाई देती है। ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया भैया।